नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माय मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। आज हमने एक यूट्यूब के ऊपर एक टीज़र अपलोड किया है महिंद्रा थार 2020 के बारे में। अच्छा रिस्पांस मिला है, उसके बाद ही हमें कुछ ऐसी इमेजेस मिली महिंद्रा थार के बारे में जो इंटीरियर से रिलेटेड है। क्लियरली इसकी फोटोज आई नहीं थी अभी तक, लेकिन जो अभी इमेजेस आई है वो काफ़ी क्लियर है, इनसे काफ़ी कुछ पता चल सकता है हमें। तो चलिए इमेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीरियर के बारे में। देखिए इंटीरियर इसका एकदम ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। जो पहले वाली थार थी हमने कई बार देखी, तो उसमें वाइट कलर की सीट्स भी दिखाई दे रही थी, लेकिन लगता है कि ऑफ रोडिंग व्हीकल है इसलिए इसका पूरा इंटीरियर ब्लैक या फिर ग्रे जो भी कलर है उसमें किया गया है। सबसे पहले बात करूंगा रूफ के बारे में। देखिए जो रूफ हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है एक डिटैचेबल हार्ड टॉप मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप एक पॉइंट देख सकते हैं, ये यहाँ पर स्क्रू टाइट करने के लिए पॉइंट दिया गया जिससे आप अपने रूफ को निकाल सकते हैं। हो सकता है कि 6 पॉइंटर रूफ हो, यानी कि आगे 3 नट्स होंगे पीछे 3 नट्स होंगे। उसके बाद बात करते हैं जो ए पिलर है वो काफ़ी चौड़ा दिखाई दे रहा है, जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी हिंडर करने वाली इसकी वजह से। उसके बाद जो डोर पैनल है उसके ऊपर आप एक थार की बैचिंग देख सकते हैं, जैसे हमारे जीप रैंगलर के ऊपर जो बैचिंग ग्रैब हैंडल के ऊपर आती है, इन्होंने डोर पैनल्स के ऊपर दी है। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये है ग्रैब हैंडल। डोर पैनल्स के ऊपर हमें कोई भी बटन दिखाई नहीं दे रहे पावर विंडोज़ के लिए, क्योंकि पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। और जो डोर पैनल का हैंडल है वो काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन डोर पैनल के ऊपर एक बोतल होल्डर दिखाई दे रहा है। डोर पैनल के ऊपर आपको ये रेड कलर का डॉट दिख रहा होगा, ये डॉट नहीं है, ये रिफ्लेक्टर है। जैसे आप डोर खोलेंगे तो उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, या तो हो सकता है ये फंक्शनल है या फिर एक रिफ्लेक्टर के तौर पे लगाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। स्टीयरिंग व्हील में कोई भी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं आने वाला, और स्टीयरिंग भी बेसिक लग रहा है जो महिंद्रा पहले से यूज़ करता है अपने TUV के अंदर, वैसा ही स्टीयरिंग व्हील आने वाला है। स्टीयरिंग के ऊपर माउंटेड कंट्रोल्स आएंगे, क्रूज कंट्रोल भी आएगा शायद से, उम्मीद कर सकते हैं क्रूज कंट्रोल आने की, लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स इसके ऊपर आने वाले हैं। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो वाटर रेजिस्टेंट लग रहा है, क्योंकि इसके चारों तरफ रबर की एक लेयर बनाई गई है, तो हो सकता है ये वाटर रेजिस्टेंट हो। उसके नीचे मिलते हैं AC वेंट्स जो सर्कुलर है, और इसके चारों तरफ हमें कार्बन फाइबर की एक लेयरिंग दिखाई दे रही है। उसके नीचे हमें जो AC के कंट्रोल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। AC कंट्रोल्स के अंदर हमें टच भी दिखाई दे रहा है और नॉब भी दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड की तरफ हमें टेम्परेचर कंट्रोल और राइट साइड की तरफ हमें फैन का कंट्रोल दिखाई दे रहा है। उसके नीचे काफ़ी सारे बटन दिखाई दे रहे हैं जो क्लियरली विजिबल नहीं है कि कौन से बटन हैं। उसके नीचे एक कबी होल बनाया गया है जहाँ पर अपना USB कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन को रख भी सकते हैं। उसके बाद हमें 2 गियर स्टिक देखने को मिल रही, पहला है नॉर्मल गियर स्टिक और दूसरा है 4x4 का लीवर। उसके पीछे आएँ तो हमें पावर विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हमें हैंड ब्रेक देखने को मिल रहा है, हैंड ब्रेक के साथ ये छोटी सी जगह आप देख रहे हैं ये है एक बॉटल होल्डर। अब सीट्स के बारे में बात करें तो सीट्स का जो फैब्रिक है वो लेदर अपॉल्सी देखने को मिल रही है, ज़्यादा कोई टेक्सचर हमें देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन सीट्स लंबर सपोर्ट के साथ आने वाली है। सीट बेल्ट की जो हाइट है वो भी काफ़ी ऊंची रखी गई है, अब ये पता नहीं चल पा रहा ये सीट बेल्ट की हाइट एडजस्टेबल है कि नहीं है। अब पीछे वाली सीट्स की जो इमेजेस है वो पहली बार इंटरनेट पर आई है। पीछे वाली सीट फ्रंट फेसिंग सीट है, और जो गैप है लेग रूम है वो थोड़ा डिसेंट है टाइप का, मतलब 6 फीट का आदमी आराम से बैठ नहीं पाएगा, लेकिन डिसेंट इनफ है, 5-7 की हाइट वाला आदमी आराम से बैठ जाएगा। तो जो स्पीकर सिस्टम है वो ऊपर की तरफ लगाया गया है, डोर पैनल्स के ऊपर कुछ भी लगाया नहीं गया है। सबसे पहले ये देखने वाली बात है कि ये 3 लोगों के लिए सीट नहीं, ये सिर्फ 2 लोगों के लिए सीट है। अब सीट के साइड में ये हम्प देख सकते हैं, ये टायर का हम्प है, जितना गैप यहाँ छोड़ा गया है उतना ही गैप दूसरी तरफ छोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये सीट काफ़ी छोटी होने वाली साइज़ में, जिसकी वजह से सिर्फ 2 लोगों के लिए ही जगह बन पाएगी। और पीछे की तरफ सीट के पीछे आप देखेंगे तो बूट स्पेस लगभग लगभग सिर्फ 100 लीटर का हमें देखने को मिल रहा है। गाड़ी के चारों तरफ अगर देखेंगे तो एक रोल केज बनाया गया है, अगर हार्ड टॉप के अंदर भी रोल केज है तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो सॉफ्ट टॉप आने वाला है उसके अंदर भी रोल केज हो सकता है। अब ये जो वेरियंट है मुझे ये डिटेचेबल हार्ड टॉप इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आप नट्स की प्लेसमेंट देख सकते हैं, इनको निकाला जा सकता है। और गाड़ी में आइसोलेशन के लिए साइड में जो गाड़ी की वॉल है उसके ऊपर आप प्लास्टिक की पैडिंग देख सकते हैं जिससे नॉइज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अब गाड़ी में ऑफ रोडिंग के टाइम पे पीछे वाले लोगों के लिए पकड़ने के लिए आप ग्रैब हैंडल देख सकते हैं, हालांकि ये एक लेदर स्ट्रैप के साथ आता है। रियर पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट लगाए गए हैं, और सीट बेल्ट की जो प्लेसमेंट है वो रोल केज के ऊपर लगाई गई है। अब ये जो रूफ है इसको ऊपर से निकाला जा सकता है, अगर जो इनके नट्स हैं उनको खोल दिया जाए तो ये ऊपर की जो रूफ़ है वो निकाली जा सकती है। साथ ही साथ जो इसका विंडो का पैनल है वो भी निकाला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जीप रैंगलर में पूरी की पूरी रूफ एक पीस निकल के आती है, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स निकल के आएंगे, यानी कि रूफ़ अलग निकलेगी, साइड विंडो अलग निकलेगी, रियर विंडो अलग निकलेगी।
पीछे जो टेल लाइट है उसके ऊपर थार की बैचिंग दी गई है, उसके नीचे ही हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। पार्किंग सेंसर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, सिर्फ दो ही पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और पार्किंग सेंसर को ऑफ करने के लिए भी बटन्स दिए गए हैं ताकि ऑफ रोडिंग के टाइम पे आपको इतनी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ऑफ रोडिंग में बीप बीप करता ही रहेगा वो हर बार। गाड़ी की साइड की तरफ आएँ तो जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर हैं उनका जो डिज़ाइन है वो भी अलग से ही निकल के आ रहा है। महिंद्रा ने इंश्योर किया है कि हर जगह वो अपनी थार की बैचिंग लगाएं, तो वैसे ही ORVMs के ऊपर भी इन्होंने थार की बैचिंग लगाई है। और जो टायर है वो C8 के CZAR ऑल टेरेन टायर्स लगाए गए हैं। सिर्फ आगे ही डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक नहीं दिया गया है। अब ये गाड़ी एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल भी रहने वाली है, प्लस एक ऑन रोड व्हीकल भी रहने वाली है, इसलिए गाड़ी के अंदर सारे क्रिएचर कम्फर्ट दिए गए हैं। प्लस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एयरबैग्स दोनों का प्रावधान दिया गया है। गाड़ी के कलर के बारे में बात करें तो ये एक नया कलर महिंद्रा लेके आया है जो है सियान कलर। ये कलर महिंद्रा XUV 300 के अंदर आता है, काफ़ी अलग सा कलर निकल के आएगा अगर इस कलर के अंदर गाड़ी आती है तो, सियान प्लस ब्लैक और ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।